सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सीरीज में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, आप वहां से प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारे वीडियो एक के बाद एक आप देख सकते हो। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास चैप्टर 2 का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। और इसमें हम पहला जो टॉपिक हमारा विभव है, विभव के बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया था, तो विद्युत क्षेत्र का यूज हम यहाँ पे विभव को जानने में करेंगे। तो आप यदि विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए आज हम अपना विभव देखते हैं। तो विभव के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, सपोज कि हमारा विद्युत क्षेत्र है, राइट, और इससे हम बहुत दूर, मतलब कि अगर इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस ले ले, यहां से सपोज कि यहां पे कोई एक बिंदु है जो कि इनफाइनाइट दूरी पे है, बहुत दूर पे है मतलब, तो अगर विद्युत क्षेत्र में, और मैं बताया था आपको कि एक धनावेश को ही हम या तो लाते हैं या तो ले जाते हैं, राइट, तो जब हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु पर, मुझे नहीं पता कि ये यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी आप कहीं पे भी ला सकते हो, सपोज कि हम यहां पे लाते हैं, राइट, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो यहां से जब हम ये सपोज कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और इसको हम यहां से जब यहां तक लाएंगे, आपको बोर्ड में इतना कम डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब बहुत दूर है, तो जब यहां से हम यहां तक लाएंगे तो कुछ डेफिनेट कुछ काम करना ही पड़ेगा, राइट, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और जब इसको काम करना पड़ेगा तो उसी को बोल रहे हैं कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इस बिंदु पर उसे विभव बोलते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस क्षेत्र के उस बिंदु पर, राइट, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब हम इस पे उसका विद्युत विभव बोलेंगे, इस पे हम क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे, राइट। तो विभव यदि हम सपोज कि क्यू आवेश को ला रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा कार्य करना पड़ेगा वो डब्लू रहेगा, अगर हम यहाँ पे डब्लू कार्य करते हैं, तो अगर हम विभव का फॉर्मूला निकालें तो विभव का फॉर्मूला आप जानते हो, विभव इज इक्वल टू कार्य बटे में आवेश। विभव को हम भी से डिनोट करते हैं, आप सभी जानते ही हो, विभव को हम भी से डिनोट करते हैं। मैंने अभी बताया कि जब आवेश को अनंत से यहां बिंदु तक लाने में अगर डब्लू कार्य करना पड़े, मतलब जितना भी कार्य करना पड़ेगा उतना ही कार्य को हम यहां पे रखेंगे, अगर सपोज कि डब्लू कार्य करना पड़े तो हम यहां पे डब्लू रखेंगे, और आवेश जो कि यहां से ले जा रहे थे तो मैंने बताया था यहां पे क्यू आवेश को हम ले जाएंगे, तो यहां पे क्यू रखेंगे। तो ये हमारा विभव का फॉर्मूला आ गया, वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, राइट। चलिए, तो विभव बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप्स होता है, अगर टाइप्स इसका देखा जाए, अगर टाइप्स देखें तो दो टाइप्स होता है, पॉजिटिव, और विभव को बोलते हैं पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल, और दूसरा यहां पे निगेटिव, निगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स देखें, विभव की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो यहां पहला टाइप आप देख सकते हो पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड दूसरा आप देख सकते हो निगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले पोटेंशियल किसे बोलते हैं, विभव किसको बोलते हैं, मैंने आपको परिभाषा बताया, आपको समझाया, अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स को समझेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। तो इसको समझने के लिए फिर से हमें यहाँ फॉर्मूला पे आना पड़ेगा, यहाँ पे जो फिगर है वहां पे आना पड़ेगा। तो जब हम किसी आवेश को यहां से लाते हैं, जब अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, राइट, तो आप जानते हो कि कार्य करना पड़ता है, लेकिन कार्य किसके विरुद्ध और किसके सापेक्ष करना पड़ता है उस पे हमारा मैटर करता है मेन, कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहां पे अगर हम चार्ज को ला रहे हैं यहां तक, ठीक है, तो कोई क्यों अपने घर में आने देगा, अगर कोई आपका कोई अगर पड़ोसी आपके अंदर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो आप चाहोगे ना कि उसे, अगर मेहमान बन के आ रहा है तो आप आने दोगे, लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं मैं यहीं रहूंगा, अब यहीं मैं सेटल होऊंगा, तो आप क्यों आने दोगे उसको, ठीक है। तो जब कोई आवेश यहाँ पे आ रहा है तो एक तो बल लगेगा इधर से, एक बल इसको हटाएगा ना, इसको बल दूर फेंकेगा, तो जब विद्युत बल के अगर विरुद्ध कार्य करना पड़े इसको, जब यहां से बल लगाएगा, जब यहां से अगर बल लगा रहे हैं मतलब इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। सपोज क्यू यहां से जा रहा है, आवेश आपका यहां से जा रहा है, और यहां से एक विद्युत बल लग रहा है, यहां से अगर विद्युत बल लग रहा है तो जो यहां से कार्य करना पड़ेगा, जो हम डब्लू कार्य करते थे, हम इसके विरुद्ध कार्य करेंगे,
ठीक है, जब हम इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तभी तो हम इसके अंदर जा सकते हैं ना। अगर ये ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो इसके अंदर चला जाएगा, अगर ये ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो इसको अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, सपोज आप ऐसे कर सकते हो कि जब हमारे एंशियंट में अगर चला जाए, मेडिवल हिस्ट्री में अगर चला जाए, तो जब हमारे जो देश के राजा होते थे और जो बाहरी, जो आप जानते हो कि वेस्टर्न कंट्री वाले यहाँ पे आक्रमण करते थे, तो ऐसे ही देख सकते हैं ना कि अगर वेस्टर्न कंट्री वाला ज्यादा पावरफुल होगा तो हमारे कंट्री में आ जाएगा, लेकिन अगर हमारा कंट्री का जो जो यहाँ के राजा होते थे अगर वो ज्यादा पावरफुल हुए तो उनको आने नहीं देंगे। आप इससे भी यहाँ पे समझ सकते हो। पहला हमने क्लियर कर लिया पॉजिटिव पोटेंशियल को। क्या मैंने बताया कि जब कोई आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में विद्युत जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसके विरुद्ध अगर इसको कार्य करना पड़ा तो ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, राइट। अगर इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा तो ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके द्वारा अगर कार्य करना पड़ा, अगर इस बल के द्वारा अगर कार्य करना पड़ा, ये बल इसको ला रहा है, राइट। आप अगर कोई दुश्मन है तो आप उसको अपने घर में नहीं आने दोगे, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है, अगर कोई आपका रिलेटिव यहाँ पे है तो आप उसको चाहोगे ना कि वो आपके घर में जाए। तो अगर ये फोर्स अपने आप इसको अगर इसके सापेक्ष अगर ले जा रहा है अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल। आई होप आपको दोनों चीज क्लियर हुआ होगा। जब ये विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े इसको, मतलब जाने के लिए, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और जब इसके लिए सापेक्ष कार्य विद्युत बल के द्वारा कार्य करना पड़े तो ये हमारा निगेटिव पोटेंशियल होगा, राइट। चलिए, पोटेंशियल भी आपको समझ में आ गया, इसके टाइप्स भी आपको समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और ये बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये आपको अदिश राशि देखने को मिलेगा, ये हमेशा अदिश रहता है, ये अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है? तो पोटेंशियल अदिश राशि है, मतलब विभव अदिश राशि है। ठीक है, अगर इसका अगर हम मात्रक देखें, अगर इसका यूनिट देखें, तो यूनिट आप देख सकते हो एसआई मात्रक आप इसका होता है वोल्ट, इसको हम वोल्ट हिंदी में वोल्ट ही लिखते हैं, राइट, ये वोल्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर सीजीएस मात्रक देखा जाए तो स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, एसआई मात्रक आप देख सकते हो वोल्ट में, और सीजीएस मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। आपने एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा है, और मैंने पिछले वाले चैप्टर के वीडियो में भी आपको बताया था, तो ये आपको क्लियर होगा। तो स्टैंडर्ड ये होता है और ये सीजीएस होता है, राइट। तो एसआई में आपको वोल्ट देखने को मिलेगा, इसका यूनिट, ये दोनों में जो आपको बताया ये मैं आपको यूनिट बताया, ठीक है, इसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं। तो ये हमारा मात्रक हो गया वोल्ट और स्टेट वोल्ट। बेसिकली ज्यादा यूज हम वोल्ट का ही करते हैं, और हम स्टेट वोल्ट का यूज बहुत ही कम रेयर केस में करते हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो वोल्ट का ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो चलिए, इसमें हमने यूनिट भी देख लिया, हमने फॉर्मूला भी देख लिया, अब हम इसका विमीय सूत्र देखेंगे। जैसा कि मैंने हर एक टॉपिक में आपको बताया है कि बेसिकली आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए अगर फिजिक्स में, तो आपको दो तीन चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला उसका फॉर्मूला बताना है, दूसरा उसका अगर फिगर बन पाए तो फिगर आप बता सकते हो, तीसरा उसका मात्रक, एंड चौथा उसका विमीय सूत्र, राइट। अगर दो तीन नंबर में आता है तो इतने अगर लिख देते हो पॉइंट, तो आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए, हमारा मात्रक भी हो गया, हमारा फॉर्मूला भी हो गया, हमारा परिभाषा भी हो गया, फिगर भी आप बना सकते हो। अब हमारा बारी आया विमीय सूत्र की। अगर हम विमीय सूत्र देखें, तो विमीय सूत्र आपको पता ही है कि विमीय सूत्र हम फॉर्मूला के थ्रू ही निकालते हैं। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला था, मैं फिर से लिख दूं अगर, तो विभव इज इक्वल टू कार्य बटे में आवेश, ये हमारा विभव का सूत्र है, राइट। तो अब हम कार्य का भी फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगा दे, कार्य का भी फॉर्मूला अगर देखे, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन बटे में इंटू समय। ये सब चीज मैंने आपको चैप्टर 1 में बता दिया है कैसे हम करते हैं, बस आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताने वाला हूँ। तो बल का होता है F, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब A अगर देखा जाए तो एम हो जाएगा, और A का जो त्वरण का मैंने बताया था आपको LT-2 होता है। विस्थापन के लिए आप L दे सकते हो, धारा के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं A, और समय के लिए आप जानते हो T हम यूज। आगे देखेंगे जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये हो जाएगा हमारा L, L और L L स्क्वायर हो जाएगा, T के पावर यहाँ पे भी 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3 एंड A -1, और इसको इस ब्रैकेट में लिखना होता है। तो ये हमारा हो गया विमीय सूत्र।
विमीय सूत्र हमारा हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री ए इनवर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको विमीय सूत्र भी निकाले बताया। सबसे पहले हम विभव का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि कार्य अपॉन आवेश होता है। कार्य को भी हम बल इंटू विस्थापन के फॉर्मूला में बांट सकते हैं और उसके बाद जो आवेश होता है आवेश को हम धारा इंटू समय में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बल का होता है अगर देखे साइन तो एफ होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम तो डायरेक्टली हम एम ही लिख लेंगे लेकिन ए होता है त्वरण के लिए और त्वरण के लिए हमने बताया था आपको कि एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, लंबाई बटे में समय का स्क्वायर होता है। तो यहाँ एल टी माइनस टू लिख सकते हो जो कि मैंने आपको लिखा है। विस्थापन, विस्थापन एक तरह से देखा जाए अगर यहाँ पे हूं और इसको यहां से अगर विस्थापित करना है तो हमने डिस्टेंस ही अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। तो जब हम डिस्टेंस यहां से ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे एल ले सकते हैं डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए हम एल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एल से दिखाया। धारा, धारा एम्पियर, ठीक है, इंग्लिश में एम्पियर बोलते हैं तो इसको डायरेक्टली एम्पियर हम ले लेते हैं और समय के लिए टी टाइम, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एम का एम है एल और एल एल स्क्वायर हो गया, टी के पावर माइनस टू था, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, ए के इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। तो इस तरीके से मैंने आपको एम्पियर का सॉरी विभव का विमीय सूत्र भी बताया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक को लेके आएंगे और बने रहिए इसी तरीके से इस चैनल पे, आपको पूरा कवर पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।